धन्यवाद करता हूँ। दुनिया एक ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 293 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने मोदी को गठबंधन का नेता घोषित किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी आज पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दुनिया भर से गणमान्य व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा लागू की है। आईजीआई हवाई अड्डे के आसपास धारा 144 लागू करते हुए ड्रोन और लेजर बीम के जरिए गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष एडवाइजरी जारी कर राष्ट्रपति भवन के आसपास दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीसीपी ट्रैफिक प्रशांत गौतम ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी है, साथ ही एनआई के माध्यम से आम जनता से सहयोग की अपील की है। आज जैसा कि आपको पता है, ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया की स्वेयरिंग इन सेरेमनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। करीब करीब 1100 ट्रैफिक पुलिस कर्मी आज अपनी ड्यूटी करेंगे और सब लोग हमारे ट्रैफिक स्टाफ कम्प्लीटली ब्रीफ्ड है। जो भी आज गाड़ियां राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास में आएंगी, वो करीब 2 बजे से हम उस जोन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा। ऑलरेडी हम डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी अपलोड कर चुके हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर। मोटे मोटे तौर पर जो भी रोड्स आर लीडिंग टुवर्ड्स राष्ट्रपति भवन, उनके पास में जितनी भी रोड्स हैं वहां पर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा आज। तो आप लोग जो पब्लिक के लोग हैं, वो अपनी जर्नी, अगर उन्होंने इस एरिया में न्यू दिल्ली एरिया के अंदर जर्नी प्लान करनी है, तो अकॉर्डिंगली। इस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से लेकर श्रीलंकाई पीएम तक कई नेता गणमान्य लोग भारत में हैं। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू भी इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आज भारत पहुंचे। आपको बता दें कि शपथ समारोह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 7:15 पर होगा और राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा इसे प्रशासित किया जाएगा।